जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम 26 जुलाई 2021 को रेलवे एनटीपीसी 7th फेज का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें दोनों शिफ्टों के जीके से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहले हम 30 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के डिस्कस करेंगे, इसके बाद सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, 26 जुलाई को पहली शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया था। जी हां दोस्तों, यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च 1957। जी हां दोस्तों, 22 मार्च 1957 को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया था। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ इसे अपनाया गया था। जी हां दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है डेट से संबंधित, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च 1957। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। जी हां दोस्तों, इंडियन पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 19। जी हां दोस्तों, अनुच्छेद 19 में विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार के बारे में बताया गया है। दोस्तों, यदि 19A की हम बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19B में शांति पूर्ण सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया है। अनुच्छेद 19C में संघ के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता के बारे में बताया है। दोस्तों, यदि अनुच्छेद 19D की हम बात करें तो देश में भ्रमण की स्वतंत्रता के बारे में बताया है। अनुच्छेद 19E में स्थायी निवास की स्वतंत्रता के बारे में बताया है। अनुच्छेद 19F में संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है अनुच्छेद 19F में संपत्ति रखने की स्वतंत्रता थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। यदि अनुच्छेद 19G की हम बात करें तो व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है। जी हाँ दोस्तों, हमने जब जनरल साइंस बायोलॉजी के क्वेश्चन को डिस्कस किए थे हमारी वीडियो में, जब भी हमने इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताया था, मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लाइसोसोम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है इसका सही उत्तर होगा लाइसोसोम। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम का मुख्य काम पाचन करना होता है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा दर्रा नीलगिरी पहाड़ियों व अन्नामलाई पहाड़ियों को जोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा दर्रा नीलगिरी पहाड़ियों व अन्नामलाई पहाड़ियों को जोड़ता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा पालघाट दर्रा। जी हाँ दोस्तों, पालघाट दर्रा नीलगिरी पहाड़ियों व अन्नामलाई पहाड़ियों को जोड़ता है। दोस्तों, पालघाट दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों व दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों को जोड़ता है। पालक्कड़ दर्रा या पालघाट दर्रा भारत के पश्चिम घाट में एक पहाड़ी दर्रा है, जो तमिलनाडु में कोयम्बटूर को केरल में पालक्कड़ से जोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इतनी बातें आपको याद रखनी होगी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा, टोडा जनजाति मूल जनजातीय समुदायों में से एक है, जो नीलगिरी के बीहड़ प्रांतों में, जी हाँ दोस्तों, नीलगिरी के बीहड़ प्रांतों में पाई जाती है। कर्नाटक टोडा आदिवासी समुदाय का एक निवास है, जो इस क्षेत्र के हर मोड़ पर स्थित है। कर्नाटक के अलावा ये टोडा आदिवासी समुदाय भारतीय क्षेत्र के अन्य राज्यों में भी देखने को मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। उपधातु के क्या गुण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, उपधातु के क्या गुण होते हैं। तो दोस्तों, सामान्यतः उपधातु अर्धचालक होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है उपधातु सामान्यतः अर्धचालक होती है।
उपधातुओं में धातुओं और अधातु दोनों के गुण होते हैं। उपधातु सामान्यतः ठोस, चमकदार, नाजुक तथा बिजली के मध्यवर्ती कंडक्टर होती हैं। उपधातुओं को धातु के साथ मिश्रित होने पर मिश्र धातु बनती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स 2019 में फर्स्ट रैंक किस राज्य को मिली है? जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स 2019 में फर्स्ट रैंक किस राज्य को मिली है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा केरल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा केरल। और सेकंड रैंक जो 2019 में मिली थी वो हिमाचल प्रदेश को मिली थी। दोस्तों SDG की फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। दोस्तों सतत विकास लक्ष्य इस सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, यदि हम तीसरे संस्करण SDG के तीसरे संस्करण की बात करें जो 2020-21 में जारी किया गया है, उसमें पहले स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश तथा तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है और सबसे अंतिम स्थान पर बिहार राज्य है। यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो सबसे पहले स्थान पर चंडीगढ़ और सबसे अंतिम स्थान पर पुडुचेरी है। जी हाँ दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। UN की फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ दोस्तों, UN की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो दोस्तों UN की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। जी हाँ दोस्तों, UN की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। दोस्तों यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नौकरी करने वाले सभी लोगों को EPFO द्वारा जारी किया जाता है। यह 12 डिजिट का होता है। इस अकाउंट नंबर द्वारा कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड, जी हाँ दोस्तों, PF के बारे में जानकारी मिलती है। आप सभी को पता है PF के बारे में, जो EPFO द्वारा जारी किया जाता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, 4 बिट के इक्वल क्या होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है 1 निब्बल 4 बिट के इक्वल होती है। जी हाँ दोस्तों, 1 निब्बल 4 बिट के इक्वल होती है। एग्जाम में क्वेश्चन 1 बाइट के बराबर पूछा गया है, 1 KB के बराबर भी पूछा गया है और 1 MB 1 GB के बराबर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप सभी को याद रखने होंगे, 1 बाइट बराबर 8 बिट होते हैं, 1 KB में 1024 बाइट होती हैं, 1 MB में 1024 KB होती हैं और 1 GB में 1024 MB होती हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों 7th फेज में हर शिफ्ट में केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में पूछे गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों आप सभी को पता है, भारत सरकार ने रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों के लिए एक खास योजना को लॉन्च किया है। इसके तहत कामकाज में मदद के लिए 10,000 तक का कर्ज दिया जाएगा। इसे PM स्वनिधि योजना का नाम दिया गया है। इसे 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है पिछली साल कोरोना के बाद में इस योजना को लॉन्च किया गया था। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नेशनल पेंशन सिस्टम विनियमन कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम का विनियमन कौन करता है? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, इस योजना का विनियमन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS एक पेंशन से निवेश योजना है, जिसे भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। PFRDA द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास NPS के अंतर्गत सभी आस्तियों का पंजीकृत मालिक है। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा गया है इसका कौन विनियमन करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा PFRDA। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ऑफिस में बैठे लोग किस नेटवर्क का उपयोग करके आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं? जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ऑफिस में बैठे लोग किस नेटवर्क का उपयोग करके आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ईथरनेट। जी हाँ दोस्तों, ईथरनेट के द्वारा नेटवर्क का उपयोग करके आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा वेब ब्राउजर है? तो दोस्तों आपको सभी वेब ब्राउजर के बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा जो ऑप्शन में था वो इसका आंसर होगा। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है तो वो आंसर होगा। कौन सा वेब ब्राउजर है तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से वेब ब्राउजर हैं। सफारी, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा ब्राउजर, ये सभी वेब ब्राउजर हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पल्लव वंश। जी हाँ दोस्तों, सिंह विष्णु पल्लव वंश के शासक थे। सिंह विष्णु पल्लव वंश का एक प्रतापी शासक था, इसी कारण इसे पल्लवों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने अवनी की उपाधि धारण की थी और इन्होंने अपने शासनकाल में चेर, चोल, पांड्य व कलब राजाओं को युद्ध में पराजित कर अपनी ख्याति बढ़ाई थी। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है पल्लव वंश की राजधानी से संबंधित, तो आपको याद रखना होगा पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय तलवारबाज कौन है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज, तो दोस्तों आप सभी को पता है भवानी देवी। जी हाँ दोस्तों, भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है। दोस्तों भवानी देवी की उम्र 27 वर्ष है और ये चेन्नई की रहने वाली है। दोस्तों हाल ही में ओलंपिक में तलवारबाज भवानी देवी ने अच्छी शुरुआत की थी और 26 जुलाई को टोक्यो खेलों में महिलाओं की व्यक्तिगत साबर स्पर्धा में ट्यूनेशिया की नादिया बेन को 15-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया, लेकिन इसके अगले राउंड में उन्हें फ्रांस के खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा, जिससे वह टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम में भी इसको पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पश्चिमी घाट में पाए जाने वाला प्रसिद्ध जानवर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है पश्चिमी घाट में पाए जाने वाला प्रसिद्ध जानवर कौन सा है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शेर, पूंछ, मकाक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा शेर, पूंछ, मकाक, पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले प्रसिद्ध जानवर हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, सुलह कुल नीति जो कि अकबर की नीति है, इसका मतलब क्या है? जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, सुलह कुल नीति जो कि अकबर की नीति है, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब है पूर्णतः शांति। अकबर इस खास नीति से हिंदू और मुसलमान एक हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, अकबर की इस खास नीति से हिंदू और मुसलमान एक हो गए थे। क्या है, इतिहासकार कहते हैं कि जब हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विद्वेष बढ़ने लगे तो उसने एक नए धर्म के बारे में सोचा। अकबर ने महसूस किया कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है। उसने सर्वधर्म समन्वय का मार्ग पकड़ा, इसी को उसने सुलह कुल कहा। जी हाँ दोस्तों, सुलह कुल नीति के बारे में पूछा गया है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी होगी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की लंबाई कितनी है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 44 की जो लंबाई है 3,745 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में हुआ था, वर्ष 1829 को। दोस्तों कभी कभी सन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है वर्ष 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगुवाई और राजा राममोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के अथक प्रयास के द्वारा सती प्रथा को भारत में पूरी तरह से अमान्य घोषित कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था, तो दोस्तों सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, मंगलयान मंगल ग्रह के कक्षा में कब इंसर्ट किया गया था? जी हाँ दोस्तों, मंगलयान से रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में कब इंसर्ट किया गया था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 24 सितंबर 2014। जी हाँ दोस्तों, 24 सितंबर 2014 को मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में इंसर्ट कर दिया था। दोस्तों मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान है, यह भारत के प्रथम ग्रहों के बीच का मिशन है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु छोड़ा गया एक उपग्रह है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से द्रव्य उपकरण प्रक्षेपण यान PSLV-25। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी प्रक्षेपण यान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी प्रक्षेपण यान के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया, तो PSLV-C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक इसे छोड़ा गया था। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किस
अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों आप सभी को पता है, अनुच्छेद 368 के तहत। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 में यह वर्णित है कि भारत के संविधान के संशोधन के लिए विधेयक किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है जब यह विधेयक प्रत्येक सदस्य सदन के कुल संख्या के बहुमत द्वारा तथा 50% से अधिक या उसमें उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, संविधान संशोधन के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन से अनुच्छेद में इसे वर्णित है। तो दोस्तों इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब लागू किया गया? जी हाँ दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ नियम हैं, कब लागू किया गया? तो दोस्तों भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय ध्वज संहिता 2002, इसे 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 1920 ईस्वी में किस अधिवेशन के अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ? दोस्तों इस शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे गए हैं। उसमें क्वेश्चन है 1920 ईस्वी में किस अधिवेशन के अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नागपुर अधिवेशन। जी हाँ दोस्तों, नागपुर अधिवेशन के अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ था। चलिए फैन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषण में किस राज्य में वेनेडियम के भंडार प्राप्त हुए हैं? जी हाँ दोस्तों, वेनेडियम के भंडार प्राप्त हुए हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषण में। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में, जी हाँ दोस्तों सॉरी अरुणाचल प्रदेश में इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषण में वेनेडियम के भंडार अरुणाचल प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, 12 प्रवाल द्वीपीय युक्त आइलैंड कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, 12 प्रवाल द्वीप युक्त आइलैंड कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लक्षद्वीप। जी हाँ दोस्तों, 12 प्रवाल द्वीप युक्त आइलैंड लक्षद्वीप है। यह एक यूनि जिला संघ राज्य क्षेत्र है और इसमें 12 एटोल, 3 रीप, 5 जलमग्न बैंक और 10 बसे हुए द्वीप हैं। द्वीपों में 32 वर्ग किलोमीटर शामिल है। राजधानी कवरत्ती है और यह यूटू के प्रमुख शहर भी है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 असमीय भाषा में किसे दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में असमीय भाषा में किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अपूर्वा कुमार शौकिया। जी हाँ दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 असमीय भाषा में अपूर्वा कुमार शौकिया को दिया गया है। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में प्रदान किए जाने वाला एक साहित्यिक सम्मान है। इस प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार को पाना सभी भारतीय लेखकों का एक सपना रहता है। इसके अलावा राजनीतिक लेखक में एम वीरप्पा मोइली, कवि अरुंधति सुब्रमण्यम को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा होशंगाबाद। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है जो कि रिपीट हुआ है, किस चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है पंचायतों में, जो कि 24 जुलाई को भी पूछा गया था, किस चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता है? इसका सही उत्तर होगा पंचायतों में। संविधान के तहत 73वें संविधान संशोधन 1992 में महिलाओं को पंचायतों में 1/3 आरक्षण दिया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है जो कि करंट से रिलेटेड है। 29 जनवरी 2021 में लॉन्च नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल भारतीय मानक समय को कितने सेकंड की सटीकता प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2.8 नैनो सेकंड। जी हाँ दोस्तों, 2.8 नैनो सेकंड की सटीकता प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।
अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों आप सभी को पता है अंतःस्रावी ग्रंथि उन ग्रंथियों को कहा जाता है जो अपने हार्मोन सीधे रक्तधारा में छोड़ती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि, पीयूषिका ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय और एड्रिनल थायराइड। जी हाँ दोस्तों, ये सभी ग्रंथियाँ अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब हम सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो 26 जुलाई 2007 फेज में जो एग्ज़ाम हुआ है सेकंड शिफ्ट के, उनके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन का माइलस्टोन पार करने वाली देश की पहली और विश्व की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन का माइलस्टोन पार करने वाली देश की पहली और विश्व की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मिताली राज। जी हाँ दोस्तों, मिताली राज देश की पहली और विश्व की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पूर्व कप्तान शार्लोट एडवर्ड्स महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू है, किसने अलाई दरवाजा और सीरी के किले का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, किसने अलाई दरवाजा और सीरी के किले का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री है, 1937 से पहले आरबीआई ऑफिस बिल्डिंग का क्या नाम था? जी हाँ दोस्तों, 1937 से पहले आरबीआई ऑफिस बिल्डिंग का क्या नाम था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा करेंसी बिल्डिंग, जो कि कोलकाता में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, 1937 से पहले आरबीआई ऑफिस बिल्डिंग का नाम करेंसी बिल्डिंग था। चलिए फैन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर है, 9th अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की क्या रैंक रही है? जी हाँ दोस्तों, 90 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की क्या रैंक रही है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 40वें नंबर पर। जी हाँ दोस्तों, भारत 40वें नंबर पर रहा है और 2020 में भी भारत 40वें नंबर पर था। दोस्तों 23 मार्च 2021 को जारी नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक पर भारत ने 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से 40वां स्थान हासिल किया है। यह ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाने वाला नवा बौद्धिक संपदा सूचकांक है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। भारत ने सड़क निर्माण परियोजना के लिए 2021 में नेपाल को कितने करोड़ रुपये नेपाली रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? जी हाँ दोस्तों, भारत ने सड़क निर्माण परियोजना के लिए 2021 में नेपाल को कितने करोड़ नेपाली रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 800 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 800 करोड़ नेपाली रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। दोस्तों भारत ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन MOU के तहत 800 नेपाली करोड़ रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है। इसका उद्देश्य नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। मार्च 2021 में भारत के असम राज्य से लाल चावल किस देश को निर्यात किए गए हैं? जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मार्च 2021 में भारत के असम राज्य से चावल किस देश को निर्यात किए गए हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका को असम राज्य से चावल निर्यात किए गए हैं। आयरन से भरपूर लाल चावल असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में किसी भी रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल के बिना उगाया जाता है। असम से लाल चावल की पहली निर्यात के संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना की गई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो दोस्तों अनुच्छेद 371 के बारे में आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों के राज्यपाल से विशेष अधिकार यह है कि महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के अलग विकास बोर्ड बना सकते हैं। अनुच्छेद 371 में इसके बारे में बताया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट है, दिन और रात बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा इक्विनॉक्स। जी हाँ दोस्तों, जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CaO
एस प्लस सी ओ टू का निर्माण होता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता है इस अभिक्रिया को ताप या अपघटन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, तो यह अभिक्रिया ताप या अपघटन कहलाती है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इलेवन है, अप्रैल 2020 में लॉन्च की योजना को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को अधिकार संबंधी रिकॉर्ड से संबंधित संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना कौन सी योजना में है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की योजनाओं से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। दोस्तों स्वामित्व योजना एक ऐसी योजना है जिसमें देश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा उनकी जमीनों और मकानों का मालिकाना हक देने के लिए संपत्ति कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। इसे कर्ज और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए ग्रामीणों द्वारा संपत्ति को एक वित्तीय संपदा के रूप में इस्तेमाल करने का मार्ग प्रशस्त होता है। इस योजना में 2020 से 2025 के दौरान, जी हाँ दोस्तों 2020 से 2025 के दौरान पूरे देश में लगभग 6.62 लाख गाँवों को शामिल किया जाएगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मार्च में आयोजित एलएन 2021 विश्व निशानेबाजी पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल SS1 इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सिंहराज ने। जी हाँ दोस्तों, सिंहराज ने एलएन 2021 विश्व कप निशानेबाजी पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है। तो दोस्तों मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का यह सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम नामक शहर में हुआ था। यह सम्मेलन 5 जून 1972 को प्रारंभ होकर 16 जून 1972 को समाप्त हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार की विश्वव्यापी समस्या का निदान करना था। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चोल वंश में पढ़ाने हेतु विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती थी। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, चोल वंश में पढ़ाने हेतु विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सालाभोग। जी हाँ दोस्तों, सालाभोग इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, रुद्रम देवी किस वंश से संबंधित थी। तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका सही उत्तर होगा काकतीय वंश। जी हाँ दोस्तों, रुद्रम देवी काकतीय वंश से संबंधित थी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, कॉकरोच किस अंग से श्वसन करता है। तो दोस्तों बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, कॉकरोच ट्रेकिया नामक ट्यूबों की एक प्रणाली के माध्यम से सांस लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कॉकरोच किस अंग से श्वसन करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा कॉकरोच ट्रेकिया नामक ट्यूबों की एक प्रणाली के माध्यम से सांस लेते हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, गांधी पीस प्राइज 2020 किसे दिया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शेख मुजीबुर रहमान। जी हाँ दोस्तों, गांधी पीस प्राइज 2020 शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया है, जबकि वर्ष 2019 का पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन अल सैद को दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 2019 से रिलेटेड भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन अल सैद को दिया गया है। चलिए फैन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, बाज की स्पीड कितनी होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 350 किलोमीटर से भी अधिक। जी हाँ दोस्तों, यह पक्षी 350 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से उड़ सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार पेरेग्रीन बाज के पास अलग अलग दृश्यों में खुद की दृष्टि को समायोजित करने की क्षमता होती है, क्योंकि यह एक फॉर्मूला वन रेसिंग कार की गति यानी 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार पर हमला बोलती है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बोडो डोगरी मैथिली और संताली कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़े गए हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है 92वें संविधान संशोधन 2003 के अधिनियम के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन में था लूनी और साबरमती नदी, जो कि सही उत्तर है।
ये दोनों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियों में आपको पता होना चाहिए माही नदी, नर्मदा नदी, पेरियार नदी, गंगा वैली नदी, सरावती नदी, जाखम, ये सभी नदियाँ अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिसंबर 2020 में नेपाल और चीन ने मिलकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई का निर्धारण किया है, यह ऊंचाई कितने फीट है? जी हाँ दोस्तों, फीट में इसका आंसर पूछा गया है। दिसंबर 2020 में नेपाल और चीन ने मिलकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई का निर्धारण किया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 29,031.7 फीट। जी हाँ दोस्तों, 29,031.7 फीट माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई का निर्धारण किया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है, तो दोस्तों आप सभी को पता है 1857 की विद्रोह के तात्कालिक कारण सैनिक थे। एक अफवाह यह फैल गई थी कि नई एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुँह से खोना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने इनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। PSLV C-51 मिशन के तहत किस देश का उपग्रह अंतरिक्ष में नहीं भेजा गया है? जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा गया है किस देश का उपग्रह नहीं भेजा गया है, तो दोस्तों कौन कौन से देश के भेजे गए हैं आपको पता है? भारत, ब्राजील और USA की कुल 29 उपग्रह भेजे गए थे, कुल 19 उपग्रह, जी हाँ दोस्तों कुल 19 उपग्रह भेजे गए थे PSLV C-51 मिशन के तहत, जिसमें भारत, ब्राजील और USA के 19 उपग्रह भेजे गए थे। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, COVID-19 के दौरान नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए 30 दिसंबर 2020 को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बिहार। जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य को COVID-19 के दौरान नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 को बिहार में बेहतर काम करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डिजिटल इंडिया 2020 सम्मान से बिहार को सम्मानित किया है। बिहार मुख्यमंत्री सचिवालय, इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए महामारी श्रेणी में विजेता चुना गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड के तहत बेस्ट फीचर फिल्म के तहत किस मलयालम फिल्म को अवार्ड मिला है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मरक्कार। जी हाँ दोस्तों, मरक्कार मलयालम फिल्म को यह अवार्ड मिला है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर से रिलेटेड कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों कौन कौन से इनपुट डिवाइस है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बार कोड रीडर, डिजिटाइजर, टैबलेट, OCR, OMR और MICR, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। इनके अलावा सभी आउटपुट डिवाइस या जो भी ऑप्शन में हैं, इनके अलावा उसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 था, कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बोस। जी हाँ दोस्तों, BOSS, बोस एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन बोस एक लिनक्स वितरण है जो CDAC द्वारा विकसित किया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तिब्बत का पठार। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार को उसकी विशालता के कारण संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, जनवरी 2021 में लॉन्च श्रम शक्ति पोर्टल किन श्रमिकों से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रवासी श्रमिकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जनवरी 2021 में लॉन्च श्रम शक्ति पोर्टल किन श्रमिकों से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रवासी श्रमिकों के लिए। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। किस धारावाहिक चालक के निकट रखी कंपास की सुई विक्षेपित हो जाती है, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है, हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। जी हाँ दोस्तों, हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने यह सिद्धांत बताया था। फिजिक्स से रिलेटेड यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 26 जुलाई 2021 सेवंथ फेज के दोनों शिफ्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।